उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदमाशों को लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि या तो आप अपराध छोड़ दें या फिर यूपी। नमस्कार, मैं हूं शुभम शर्मा, आप देख रहे हैं Time 24 न्यूज। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो रहे हैं कि वो खनन अधिकारी पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। बुलंदशहर में खनन माफियाओं ने खनन अधिकारी पर जानलेवा हमला कर दिया। खनन अधिकारी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। यूपी के बुलंदशहर में खनन माफियाओं के हौसले इस हद तक बुलंद है कि वो सरकारी अफसरान पर जानलेवा हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। बुलंदशहर के जिला खनन अधिकारी पर देर रात खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। जिला खनन अधिकारी ने किसी तरह भागकर जान बचाई। सिकंदराबाद के गांव मोहम्मदपुर कला स्थित गंग नहर में प्रशासन को लगातार अवैध खनन की सूचना मिल रही थी। डॉक्टर दीपक, मैं जिला खनन अधिकारी हूं बुलंदशहर। घटना क्यों हुई आज आपके साथ? मोहम्मदपुर कला नवादा क्षेत्र में जो नहर पड़ती है, नहर में बालू के अवैध खनन की निरंतर सूचना प्राप्त हो रही थी। आज मुझे सूचना लगी थी कि अवैध खननकर्ताओं द्वारा नहर से बालू निकाल रहे हैं। मैं अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँचा तो वो ट्रैक्टर से बालू निकाल कर भर के निकल रहे थे। मैंने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुका नहीं ड्राइवर, और मेरी गाड़ी में टक्कर मारने की कोशिश किया। टक्कर मारने की जब कोशिश किया तो मैं किसी तरह उसको जो है कि आगे से रोका। जब रुका तो ड्राइवर जो है कि मौके से भागने लगा। मैंने उसको किसी तरह जब पकड़ा तो तब तक उसने फ़ोन कर दिया था अपने गाड़ी से ही। उसके पिताजी और संतोष नाम था और एक सत्य प्रकाश, दोनों आ गए और उन्होंने मेरे से झगड़ा करने लगे और उन्हें तत्काल जो है उनके पास एक डंडा था, वो डंडे से मेरे कमर को वहाँ मार दिया। मैं धान के खेत में गिर गया और जो मुझे चोट भी आई है, लेकिन मैंने DM साहब को और SSP साहब को सबको बता दिया मामले समझाने के लिए। तब तत्काल फोर्स आ गई वैसे और ड्राइवर को पकड़ लिया गया और उसको कोतवाली में भी आया हूँ उसके खिलाफ़ अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कहीं कर। सूचना के आधार पर आज जिला खनन अधिकारी दीपक कुमार मौके पर पहुंचे तो माफियाओं ने खनन अफसर पर हमला बोल दिया। जिला खनन अधिकारी से खनन माफियाओं ने मारपीट की। इतना ही नहीं, खनन माफियाओं ने खनन अधिकारी की कार को टक्कर मारने की कोशिश की गई। हालांकि किसी तरह खनन अधिकारी खनन माफियाओं की गिरफ्त से छूट भागे। वहीं खनन अधिकारी दीपक ने सिकंदराबाद कोतवाली में तहरीर दी, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खनन अधिकारी ने बताया कि वो अवैध खनन की सूचना पर रेड करने पहुंचे थे कि माफियाओं ने हमला बोल दिया। माफियाओं के खिलाफ तहरीर दी गई है। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बुलंदशहर से Time 24 न्यूज के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हमारी खबरों को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाकर हमारे पेज को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।